दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आमिर खान की अब तक की सभी फिल्म्स के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इनकी सभी फिल्म्स के वर्डिक्ट के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक पे है यादों की बारात, 1973 में आई। बजट था 1 करोड़ और इसने 2 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर दो पे है मदहोश, 1974 में आई। दोस्तों इस फिल्म का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं। नंबर तीन पे है होली, 1984 में आई। बजट था 50 लाख और इसने 5 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर चार पे है कयामत से कयामत तक, 1988 में आई और इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर पाँच पे है राख, 1989 में आई और इसने 50 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर छह पे है लव लव लव, 1989 में आई और इसने 2 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर सात पे है अव्वल नंबर, 1990 में आई और इसने 80 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर आठ पे है तुम मेरे हो, 1990 में आई। बजट था 2 करोड़ 10 लाख और इसने 3 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर नौ पे है दिल, 1990 में आई। बजट था 2 करोड़ और इसने 10 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर 10 पे है दीवाना मुझसा नहीं, 1990 में आई और इसने 1 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर 11 पे है जवानी जिंदाबाद, 1990 में आई और इसने 1 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 12 पे है अफसाना प्यार का, 1991 में आई और इसने 2 करोड़ 1 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 13 पे है दिल है के मानता नहीं, 1991 में आई। बजट था 2 करोड़ 23 लाख और इसने 5 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही। नंबर 14 पे है दौलत की जंग, 1992 में आई और इसने 2 करोड़ 3 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 15 पे है जो जीता वही सिकंदर, 1992 में आई। बजट था 2 करोड़ और इसने 6 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही। नंबर 16 पे है इसी का नाम जिंदगी, 1992 में आई और इसने 1 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 17 पे है परंपरा, 1993 में आई और इसने 1 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 18 पे है हम है राही प्यार के, 1993 में आई। बजट था 2 करोड़ 50 लाख और इसने 9 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर 19 पे है अंदाज अपना अपना, 1994 में आई। बजट था 2 करोड़ 90 लाख और इसने 8 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सेमी हिट रही। नंबर 20 पे है बाजी, 1995 में आई। बजट था 3 करोड़ 50 लाख और इसने 8 करोड़ 81 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म अबव एवरेज रही। नंबर 21 पे है आतंक ही आतंक, 1995 में आई। बजट था 2 करोड़ 50 लाख और इसने 4 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 22 पे है रंगीला, 1995 में आई। बजट था 4 करोड़ 50 लाख और इसने 33 करोड़ 44 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 23 पे है अकेले हम अकेले तुम, 1995 में आई। बजट था 4 करोड़ 50 लाख और इसने 12 करोड़ 37 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 24 पे है राजा हिंदुस्तानी, 1996 में आई। बजट था 5 करोड़ 75 लाख और इसने 76 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 25 पे है इश्क, 1997 में आई। बजट था 11 करोड़ और इसने 45 करोड़ 62 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर 26 पे है गुलाम, 1998 में आई। बजट था 7 करोड़ 25 लाख और इसने 24 करोड़ 21 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही। नंबर 27 पे है सरफरोश, 1999 में आई। बजट था 8 करोड़ और इसने 33 करोड़ 44 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही। नंबर 28 पे है मन, 1999 में आई। बजट था 14 करोड़ और इसने 36 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 29 पे है 1947 अर्थ, 1999 में आई। बजट था 4 करोड़ 75 लाख और इसने 9 करोड़ 21 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 30 पे है मेला, 2000 में आई। बजट था 18 करोड़ और इसने 29 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 31 पे है लगान, 2001 में आई। बजट था 24 करोड़ और इसने 65 करोड़ 97 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही।
नंबर 32 पे है दिल चाहता है 2001 में आई। बजट था 14 करोड़ और उसने 39 करोड़ 72 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सेमी हिट रही। नंबर 33 पे है मंगल पांडे 2005 में आई। बजट था 37 करोड़ और इसने 53 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 34 पे है रंग दे बसंती 2006 में आई। बजट था 28 करोड़ और इसने 97 करोड़ 91 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही। नंबर 35 पे है फना 2006 में आई। बजट था 30 करोड़ और इसने 106 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। नंबर 36 पे है तारे जमी पर 2007 में आई। बजट था 18 करोड़ और इसने 99 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। नंबर 37 पे है गजनी 2008 में आई। बजट था 45 करोड़ और इसने 195 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 38 पे है थ्री इडियट्स 2009 में आई। बजट था 55 करोड़ और इसने 460 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 39 पे है धोबीघाट 2010 में आई। बजट था 11 करोड़ और इसने 27 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 40 पे है तलाश 2012 में आई। बजट था 45 करोड़ और इसने 180 करोड़ 83 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर 41 पे है धूम 3 2013 में आई। बजट था 125 करोड़ और इसने 589 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 42 पे है पीके 2014 में आई। बजट था 85 करोड़ और इसने 838 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 43 पे है दंगल 2016 में आई। बजट था 75 करोड़ और इसने 2160 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 44 पे है सीक्रेट सुपरस्टार 2017 में आई। बजट था 45 करोड़ और इसने 987 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 45 पे है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में आई। बजट था 240 करोड़ और इसने 335 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 46 पे है लाल सिंह चड्ढा 2022 में आई। बजट था 180 करोड़ और इसने 129 करोड़ 64 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। दोस्तों, आपने इनमें से अंदाजन कितनी फिल्म्स देखी होगी और कौन सी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करके मूवीज के रिलेटेड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।